रखिएगा, जज़ाकअल्लाह खैरा। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आसानी आपको मिल सके। अगर आपका कोई भी मसला है, कोई परेशानी है, घरेलू कोई टेंशन है, या कोई हस्बैंड वाइफ का मसला है, मियाँ बीवी का कोई मसला है, अगर कोई भाई अपनी बीवी से बेरुख है या बीवी कोई भाई से बेरुख है, तो फिर वो भी रब्ता कर सकते हैं। काले इलम या सफ़ी इलम, कोई भी इस किस्म का मसला है, कोई जादू काले जादू का मसला है, कोई जिन्नात साए का मसला है, किसी किस्म की बीमारी जो आपको पता नहीं लगती उसका मसला है, तो ज़रूर अपनी बहन को याद करें। इंशाल्लाह अगर काला इलम भी कोई किसी ने किया हुआ, उसका भी इंशाल्लाह आपका साथ देंगे और तोड़ करेंगे हर काम। इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह ज़रूर आपका हो जाएगा। किसी भी किस्म की परेशानी है, कोई जैसे अपने प्यारों से रूठ गया हुआ है, कोई उसको मनाने का मसला है, तो इंशाल्लाह ज़रूर आपकी बहन आपकी मदद करेगी। आज की सबसे प्यारी अहदीस की तरफ चलते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बरकत तरीन शादी वो है जिसके अखराजात कम से कम हों। यानी कि जो शादियों में इतने मसाइल होते हैं, इतनी परेशानी आती है, कभी कोई मसला, कभी कोई मसला, कभी कोई जहेज़ का मसला आ रहा होता है, कभी कोई खाने पीने का मसला आ रहा होता है, लोग पागलों की तरह, जैसे कोई अपने घर से खाना ही नहीं खा के आया, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। जिन्होंने बेटी देनी होती है या बेटा बेटे की शादी कर रहे होते हैं, उनके लिए कितनी मुश्किल और कितनी परेशानी होती है, ये भी आप सोचा करें। बाकी इंशाल्लाह